नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज़। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। देहरादून में उत्तराखंड कराटे फेडरेशन के तत्वाधान में हुई राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता, चंपावत जिले की कराटे टीम ने कराटे कोच दीपक अधिकारी के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन कर 7 गोल्ड मेडल सहित 26 पदक जीतकर चंपावत जिले का नाम रोशन किया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे डू एसोसिएशन के तत्वाधान में टीम ने प्रतियोगिता खेली। टीम के 5 खिलाड़ियों का चयन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने वाली नेशनल कराटे चैंपियनशिप के लिए हुआ है। टीम के लोहाघाट पहुंचने पर लोगों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष गोविंद बोरा ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित कर आगामी नेशनल चैंपियनशिप के लिए शुभकामनाएं देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया तथा साथ ही कराटे को दीपक अधिकारी के प्रयासों की सराहना करी। लोहाघाट की कराटे टीम प्रदेश की मजबूत टीमों में से एक है। यहां के कराटे खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त कर चुके हैं। बधाई देता हूँ कि आप बच्चों को राष्ट्रीय खेल के लिए तैयार कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे विदेशों की संख्या जो बच्चे कराटे में पदक प्राप्त करके आए, इससे यह होता है कि क्षेत्र में और बच्चों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित होता है। ये नहीं कि कराटे खेलने वाले खिलाड़ियों इससे जो है लाभान्वित होते हैं, इससे एक माहौल क्रिएट होता है। उस माहौल का फायदा हर क्षेत्र के हर अन्य वर्ग जो खेल प्रतियोगिता है उनमें भी इसका प्रभाव पड़ता है। और मैं इन सभी बच्चों को जो गोल्ड मेडल प्राप्त करके लाए हैं और इनका जोनल जो प्रतियोगिता होनी है उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और आशा ही पूरा विश्वास है कि जो दीपक अधिकारी और बच्चों के नेतृत्व में यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है इन बच्चों के लिए वो काफ़ी सराहनीय है। और इससे जो है एक हमारा समाज जो है जो व्यसन की ओर लोग बढ़ रहे हैं उससे दूरी रहे बचते जाएगी।